अस्सलाम वालेकुम, आज है जुम्मा और आप सभी को जुम्मा मुबारक। 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचने के लिए पूरे 4 साल लगे हैं। एंड में मैं अपनी पूरी स्टोरी बताऊंगा, मुझे 4 साल लगे 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचने के लिए, तो कैसे लगे पूरी एंड में स्टोरी बताऊंगा, वीडियो में बने रहना। चलो तो कल मेरे भाई ने मुझे कहा कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सही कर ले, तो अब मैं 4K पे शूट कर रहा हूँ वीडियो। तो अगर क्वालिटी कुछ बड़ी होगी तब भी बताना, और नहीं वैसी दिख रही है तो भी बताना, तो मैं उसी पे शूट करूँगा, क्योंकि 4K की जो साइज़ होती है फाइल की वो बहुत ज़्यादा होती है। 1 hour later. तो अभी सो के उठा हुआ, अभी पहले देख लो मेरा चेहरा, थोड़ा मुँह हाथ धो लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। आपके तो अभी का अपडेट ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे तो ज़्यादा लोग हैं नहीं, मतलब जिनके साथ मैं पार्टी करने आया था वो लोग भी अपने काम पे चले गए हैं, तो सेलिब्रेशन तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। मैं सेलिब्रेशन अभी तभी वनडी आकर ही करूँगा। हंड्रेड सब्सक्राइबर की पार्टी कब दे रहे हैं? समोसा दे। यहाँ पे कोई भी सेलिब्रेशन नहीं होगा, जो भी सेलिब्रेशन होगा वनडी में होगा। आप लोग भी सुन लो, यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, जो भी होगा भिवंडी में होगा। ये मैं अपने नाश्ते के लिए लाया हूँ, समझे? ओके भाई, आम तो खिलाओ। रहा नहीं जाता। तो मैं आम खा ही रहा था कि उतने में इन लोगों ने मुझे बुलाया और बोला कि चलो अब जामुन खाएंगे। तो हम लोग अब जा रहे थे जामुन तोड़ने के लिए। इस बंदे को देख लो, सबसे ज़्यादा आम खाने वाला बंदा है ये यहाँ का। जामुन तोड़ने जा ही रहे थे कि तभी एक आम मिल गया हम लोगों को। अब सुनो, नहीं। जो भी लोग ये सीन देख रहे हैं, इस पेड़ के मालिक तक मत जाना, बाकी हंसने के लिए रेडी हो जाओ। बहुत फनी सीन है भाई, देखो। इतना सब हो गया लेकिन अभी भी इन लोगों को सुकून नहीं है भाई, अभी भी खाना ही है इन लोगों को जामुन, लेकिन मुझे भी खाना है यार। अब यहाँ पे रेडी हो रहा है जामुन तोड़ने का जुगाड़, देसी जुगाड़। ये तो याद ही होएगा, अरे वही छोटी गंगा। अब ट्राई किया जा रहा है जुगाड़, देखते कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। उस जुगाड़ से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन अब आम मिल गया हम लोगों को, तो हम लोग आम खाएंगे। रहा नहीं जाता। हाँ, पहले ही उठा लिया। मैं कर नहीं रहा हूँ, मुझसे करवाया जा रहा है। रोता नहीं, इसे रुलाया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ पहले तो मेरी जर्नी के बारे में, जो कि मैं वीडियो की शुरुआत में बोल दिया था, तो अब बताना ही पड़ेगा। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2018 में, जब पहली बार मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला था। मैंने लिख के रखा है क्योंकि इतना याद नहीं रहेगा। तो एक यूट्यूब चैनल मैंने बनाया था जहाँ पर मैं नॉलेज बेस्ड वीडियो बनाता था, मतलब जो जैसे कि
कैसे डाउनलोड करना है, ये ऐप में क्या करना है, इसमें क्या करना है, उसमें ऐसा टाइप के मैं वीडियोस बनाता था। लेकिन वो चैनल सिर्फ 2 महीने तक चला क्योंकि उसमें मुझे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था। मैं पता नहीं कि उस टाइम पे ऐसे शौक में बना दिया था। लेकिन फिर उसके बाद चैनल वो बंद कर दिया मैंने। और उसके बाद मैंने चैनल बनाया था 2019 में जब मैं 10th में था, तो मैंने एक चैनल बनाया था टेक आफत, जो टेक बेस्ड चैनल था। लेकिन टेक के लिए अब मुझे मतलब फ़ोन्स चाहिए, न्यू फ़ोन्स चाहिए, कोई दुकान वाला फ़ोन्स देने के लिए रेडी नहीं हो रहा था, तो वो भी मैंने बंद कर दिया कुछ ही दिन में बंद कर दिया, वो तो ज़्यादा दिन चला भी नहीं था। फिर उसके बाद मैंने चालू किया था एक गेमिंग चैनल, जो अभी भी है गेमिंग चैनल। वो ये वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको लिंक मिल जाएगी, वो चैनल अभी भी है, एक बार चेकआउट कर लेना। तो वो गेमिंग चैनल मैंने चलाया, लेकिन उस पर धीरे धीरे व्यूज़ जो है वो डाउन हो गए, तो वो चैनल भी मैंने बंद कर दिया। गेमिंग वीडियोस होती थी वो मैं इसलिए बंद किया था, एक तो पहली ये वजह थी कि व्यूज़ डाउन हो गए, दूसरा ये कि वो वीडियोस बहुत बड़ी होती थी, 2 आवर्स 3 आवर्स की होती थी, और मैं रात में शूट करता था, 1 बजे 2 बजे मैं शूट करता था, और उसको एडिट करने भाई जो हालत ख़राब होती थी, पूरे 2 या 3 घंटे के शॉट में से हम लोग को सिर्फ 15 मिनट का काटना रहता था, 10 मिनट का काटना रहता था, तो बहुत हालत ख़राब हो जाती थी, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। फिर उसके बाद चैनल मैंने नहीं बनाया कोई भी, तो उसके बाद मैं थोड़ा एज अ एडिटर काम करना स्टार्ट किया था, जो कि मैं पहले तो एक गेमर के साथ काम कर रहा था, फिर वो गेमर के साथ काम कर रहा था तो उसकी भी मतलब वीडियोज़ उसने पहले तो बहुत जोश जोश में उसने भी कंटिन्यू करी, फिर उसने भी पूरा अपना बंद कर दिया, तो मैं भी उसका काम छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैं मिलता हूँ अदनान भाई से, मेरी 10th के बोर्ड्स के भी बाद मैं गांव आया था, गांव से जाने के बाद फिर मैं मिला था अदनान भाई से। तो वो कैसे मिला, क्यों मिला, क्या करने मिला, वो आप लोगों को मैं अभी नहीं बताऊँगा, वो उसको अभी राज रखेंगे, अभी रिवील नहीं करूँगा, बहुत आगे जाके रिवील करेंगे अपन। अदनान भाई से मिलने के 1 साल बाद मैंने चैनल बनाया था, तो 1 साल मैंने अदनान भाई के साथ काम किया, बहुत अच्छे से काम किया। वो आप लोगों को अभी रिवील नहीं करूँगा, पूरी बात बताऊँगा कि कैसे मिला था कैसे नहीं मिला था, अब पूरा मैं मतलब अभी नहीं बता सकता, वो जान दो, क्योंकि वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मोड़ था, तो उसको अभी रिवील नहीं करेंगे। और मैंने एक न्यूज़ चैनल के लिए भी काम किया है एज ए एडिटर और वीडियोग्राफर, लेकिन वो काम मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि पैसे का उस टाइम पे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, और रोज़ आने जाने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने वो छोड़ दिया काम। अब जल्द से जल्द भिवंडी वापस आऊँगा, वहाँ पे पहले तो अदनान भाई को एक पार्टी देंगे अपन 100 सब्सक्राइबर की, उसके बाद किसी को देखेंगे। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, और थैंक्स फॉर बीइंग माय सब्सक्राइबर, ऐसे ही बने रहो, इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाएंगे। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थोड़ा काम करूं मैं पर जिद्दी आज कलूं, मैं ही थी समस्या अब मैं ही सारा हलूं, हारने में अब बलूं मैं तभी तो अब सफल हूं, मत करना तुम तकल्लुफ मैं अब अनस्टॉपेबल हूं।